एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं, ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। कितना रोमांटिक बना दिया भाई। दोस्तों आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम के ओएसटी पर। भाई आप लोगों की बहुत डिमांड थी इस गाने पर रिएक्शन करने के लिए, तो आज हम देखने वाले हैं। इसका लेट इसीलिए हो गए हम क्योंकि इसका फुल वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन ऑडियो इसका फुल आया हुआ है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि यार आप ऑडियो ही देख लो, तो ड्रामा बड़ा हिट जा रहा है वैसे, कौन कौन देख रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। हम पॉज कर करके पूरा लिरिक्स पे बात करेंगे, तो आप लोग एंड तक बने रहना। और जो जिनको विदाउट इंटरप्शन रिएक्शन देखना है ना, उनके लिए भी एक एंड में बताएंगे क्या करना है उनको। लेट्स सी एवरीवन। बाय द वे ये और जो है ना, ये और वालों का है, मतलब ये अहद खान, उसामा अली एंड राफे, इन्होंने एक गाना और गाया था, अपन ने रिएक्शन किया था उस पे, चाल चल तू अपनी में तुझे अच्छा लूंगा, उनका ही गाना है ये। ओके, और मतलब इनका क्या वो है क्या, उनका नाम रख रहेगा उनके ग्रुप का और ग्रुप, क्योंकि दोनों ए यू ए यू आर, ओके इसलिए। गॉट इट। तो चलो आगे देखते हैं। चल दिए तुम कहां पे, देखो यहां के रास्तों में, ई दिल खो रहा है। चल दिए तुम कहां पे, देखो मुस्कुरा के आंखों में, ई दिल खो रहा है। एक उम्मीद एक प्यार की नजर में खो गई, एक जिंदगी था खार के कब्र में सो गई, एक रात थी जो हिस्से में आई थी, अब मगर तुमसे मिली तो मुझसे बेखबर सी हो गई। एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं, ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको, इसकी क्या वजह है, मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। दिल मतलब इन्होंने एक नया जॉनरा ओपन कर दिया है देखा जाए तो, जिस तरह से वो चाल चलते हो अपनी वैसे ही वाइब आई थोड़ी वैसी थोड़ी। वाइब दी इन्होंने यहाँ पर, लेकिन ये प्यार मोहब्बत वाला है और वो थोड़ा सा अलग था, वो किसी को मिस करने वाला है इस टाइप का देखो था। ऐसा है कि वाइब वही थी, जोन डिफरेंट है दोनों के तो, लेकिन मजा आ रहा है वो कि वही वाइब आ रही है और लग रहा है हाँ भाई ये और वालों की कुछ ना सिग्नेचर नहीं रहता, एक सिग्नेचर वाली फील आएगी, इनका सिग्नेचर है भाई ये कि वही गिटार। सिंगिंग अभी तक सिर्फ एक ही बंदे की आवाज हाँ आई अभी है, सिर्फ एक तो सिंगल, मतलब ये आवाज किसकी है ये आप लोग कमेंट करके अभी ये बताना। आगे जाके चेंज भी हो गया तो शायद और ज्यादा मजा आया, लेकिन मजा आ रहा है यार सच में मजा आ रहा है। नहीं दिल दुखाया जब नहीं है तो है खुद से क्यों खफा, उस उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा, मेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है, मेरी रातें मुझसे राजी हैं पर दिन है बेवफा। एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी ये मान ली, जागी ख्वाब से तो हकीकत ने मेरी जान ली। तुम मुझको तो पुकारो सिर्फ मेरा नाम लो, आओ मेरी जाने वागे मेरा हाथ थाम लो, के अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं, के क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं। जल्दी कमरों में सफे मेरे ये पहले ही रहेंगे, ख्वाब आंखों में बस तेरे ही रहेंगे। ये लाइन सुन रहे हैं, कमरों में सफे मेरे पहले ही, मतलब इसके टीजर अपन ने देखे थे, उसमें फहद मुस्तफा का जो कैरेक्टर है सब बिखरा पड़ा रहता है उनके रूम में, है ना, है ना। लेकिन उसके आगे की लाइन था ख्वाब आंखों में बस तेरे ही रहेंगे, वो बात अलग है ये बात अलग है। लाइट समझ रहा है, वो बात तो छोड़ दे, ये बात देख कि ख्वाब किसके पल रहे हैं। लेट्स नाइस है। तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे तेरे ही हैं तेरे ही रहेंगे, सवाल जिंदगी थी तुम जवाब हो गए हो, देखते ही देखते तुम ख्वाब
को आपको गा के इम्प्रेस करना हो ना, बेस्ट लाइन से भाई है, कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। वैसे ये जो है ना एक्स के लिए भी बहुत सही है, एक्स के लिए भी अच्छी है। ख्वाब हो गए, सोचा था भूल जाऊंगा मैं तुझे, लेकिन भूल भूल के तुम मेरी याद हो गए हो। लाइक साहिल को उसकी एक्स की याद आ गई। नहीं नहीं, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं कि ये आप यूज़ कर सकते हो, क्रश के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसको पता हो कि आपको उस पर क्रश हो लेकिन आप उसके हो नहीं पाए हो, या वो आपकी हो नहीं सकी, या उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो। नहीं, 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 ना किसी को एहसास दिलाना हो ना कि आप उसको पसंद करते हो, करते हैं, लेकिन तू किसी और को पसंद करते है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे। काश के तुम समझ पाती मेरे प्यार को, दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो। ये वही हो रहा है, तुम्हें कबूल है दिल की सौदेबाजी, मेरा इंतजार लेके बेहिसाब प्यार दो। आर दो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां, उतार दो तुम किताबों में कहानियां, किस तरह से कट रही है मुझ पे क्या गुजर रही है, तुमने जाना ही नहीं है कभी जाने जा। अब तुम याद आ रहे हो, बेहिसाब आ रहे हो, दूर हो के भी तुम मेरे पास आ रहे हो, इस कदर भी बेरुखी कोई करता है भला, मेरी जान जा रही है तुम कहाँ जा रहे हो, दिल टूट। ये वही बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ ना ये उस, ये वाली लाइन पूरी हुई, टून चेंज हो गया, पहले वाला जो गा रहा था ना वर्जन, अब वो पूरा एक्स की बात होने लगी। हाँ, अब एक्स पे जाने लग गया है। वो स्टोरी पे भी बनाया है ना उन्होंने कुछ, तो ड्रामा की जो स्टोरी होगी थोड़ा वो देख ध्यान रख के भी लिखा होगा इसको, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। एक्स की बात नहीं है ये, जैसे कि लवर्स में भी ऐसा होता होगा, लवर्स थोड़ी देर के लिए दूर हो गए, एक्स तो ये हो जाए उसको छोड़ दिया, और दूर हो गए मतलब कि थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए बीवी जो है नाराज होके मायके चली जाती है, उस टाइप का है। फिर बंदा जो इस तरह की ये उसकी याद में गाने ये गा रहा है, तो फिर बंदी कहीं ना कहीं लगती हाँ ठीक है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत प्यार करता होगा बंदा, एंड वापिस आ जाती, तो ये वो वाला सीन हो रहा है। सा गया है आंखें याद कर रही है, तस्वीरों से तेरी कब से बात कर रही है, धड़कने भी अब यही पुकारती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी है तुम का। सारे हस्बैंड्स इस गाने को लिख के रख लो, ये काम आएगा तुम्हारे। फोन पे फोन लगा के गाया, ये गा देना बस। अब वो वाला मत गाओ, बागबान मूवी का ना, मैं यहाँ तू वहाँ, वो छोड़ो, अब ये गाओ, ये वाला गाओ, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर भी है और ज्यादा अच्छा भी लगेगा, सामने वाले को फील करवाएगा कि आपसे मोहब्बत कर रहे हो, करते हो। हाँ यार, मेरे लिए तो गाना भी लिखा, ओह माय गॉड, ये याद कर लिया। चलो देखो यहाँ के रास्तों, पहली बार हमने किसी ओएसटी को इतना ज्यादा उसकी लाइंस को ध्यान रख के सुना है, तो बहुत ही जबरदस्त लगा मेरे को तो। और इस तरह से हमने बीच में रॉक के डिस्कशन किया, तो ये चीज आपको अच्छी लगी या बुरी लगी ये कमेंट करके बताना आप लोग, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बीच में बात मत किया करो, बीच में मत बोला करो, इसलिए हमने सोचा पॉज करके बोलते हैं। बट कसम से मुझे तो बहुत अच्छा लगा बीच में बात करके, वो फील आता है ना कि आप वही इस लाइन के लिए हम भूल भी जाते हैं, पर्टिकुलर लाइन के लिए हम रोक के बात कर सकते हैं ना, अब एंड में तो क्या है लाइन पूरी भूल जाते हैं, हम पहली बार गाना देख रहे हैं। सबसे मेन चीज ये होती है हमारा, अब वो लोग अलग, वो रिव्यू वाले उन जो 10 बार गाना देख ले और उस पर स्क्रिप्ट लिख ले, हम लाइव देखते हैं तो याद तो रहता नहीं कि यार पहले क्या बोला था, बस अच्छा लगा, हाँ ठीक है ठीक है, आखिरी में हम लास्ट वाली लाइन जो याद है कि उस पर बात कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो बेटर ये है कि हम वन बाय वन हर एक टॉपिक पे बात कर ले जो। और ये गाना लोगों को कितना पसंद आ रहा है, इसका नजारा यहाँ देखो। हाँ, आप ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, यहाँ जहाँ से शुरू हुआ म्यूजिक खत्म हुआ, इस तरह से मतलब चल रहा है ये ग्राफ, एंड तक एक जैसा पीक पर ही है वो शुरू से लेके एंड तक, तो मतलब गाना लोगों को एक एक अल्फाज एक एक चीज़ पसंद है इस गाने की, तो ज़बरदस्त गाना है। अब हम इसका वीडियो वर्जन भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में, क्योंकि कई लोगों को इस तरह का नहीं पसंद है कि भाई इंटरप्ट करके आप करते हो, तो ये अपन कंटिन्यूटी में देखेंगे और इसमें वीडियोस विजुअल्स भी होंगे। 2 मिनट का ये ARY की तरफ से आया है, लेट्स सी ARY ने इसकी ऑडियो को वीडियो से कैसे कंपाइल किया, कैसे सिंक किया है। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं। गन फैलाना बहुत आसान है लेकिन समेटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ओए ओए, ये लाइन थी ना उसमें ओएसटी में, नौकरानी नहीं हो तुमने मुझे नौकरी अपना समझ लिया। जल्दी है तुम कहां
पे देखो यहाँ के रास्तों में भाई पकौड़े बनाते हो ना आदमी भी तो होते एक प्यार की नजर में खो गई एक जिंदगी था खार के कबर में सो गई एक रात थी जो हिस्से में आई थी तुमसे मिली तो मुझसे बेखबर सी हो गई एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे लगा रोमांटिक बना दिया भाई हम जो मिल रहे हैं मुझको इसकी क्या वजह है मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं दिल दुखाया जब नहीं है तो है खुद से क्यों खफा उस उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा तेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है मेरी रातें मुझसे राजी है पर दिन है बेवफा एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी है मान ली जागी ख्वाब से तो हकीकत में मेरी जान ली तुम मुझको तो पुकारो सिर्फ मेरा नाम लो आओ मेरी जाने भागे मेरा हाथ थाम लो के अब नहीं है वादों पर तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं के क्यों नहीं है मुझसे हुआ तेरी वो हंसी मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं जल्दी है तू कहाँ देखो यहाँ के रास्तों में मांगी चाहे मैंने मुक्का मारा ईद खो रहा है इसके अंदर जो इन्होंने डायलॉग्स भी फिट किए हैं जो कि और ज़बरदस्त लग रहे हैं और कहानी से हमें और कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ड्रामा तो ऐसा लग रहा है आप देखना ही पड़ेगा देखना पड़ेगा अब ज़्यादा हो गया है ड्रामे के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही है आप लोगों की कि यार ये ड्रामा देखो आप बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है यार हम रिएक्शन तो नहीं दे सकते अगर आप लोग चाहते तो हम देख के एपिसोड वाइज रिव्यू जरूर कर सकते हैं ना हाँ या फिर कोई एक पर्टिकुलर सीन हो 5-7 मिनट का उस पर रिएक्शन कर रिएक्शन दे सकते आप चाहें तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में से ही कोई सीन सजेस्ट करना तो हम करेंगे भी बाकी हाँ उसको देखने के लिए आपको हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया या तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं एम्ब्रोज एक्स्ट्रा वहाँ पर हम ड्रामा से रिलेटेड वीडियो मोस्टली बनाते हैं तो देख लेना वहाँ जाके वहीं पर आएगा वीडियो तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना बाकी उम्मीद है आपको ये रिएक्शन पूरा पसंद आया होगा पूरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन मेक लव नॉट वॉर